काफी जोर शोर से न्यूज सुनने को मिल रहा है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार सोशल मीडिया यानी के यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये सब चीजें बंद करने जा रहे हैं। क्या ये सच है मोदी जी? यदि सच है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अपनी दुकान खुद ही बंद करना चाह रहे हैं। अरे उसी दुकान के दम पे तो आप इस देश के नालायक प्रधानमंत्री बने हैं। उसी सोशल मीडिया के दम पे आप जैसा एक नालायक भारत को प्रधानमंत्री मिला है, तो आप स्वीकार करते हैं कि आप एक निकम्मे भारत के प्रधानमंत्री हैं और आप अपनी दुकान बंद करना चाह रहे हैं। अरे उसी दुकान के दम पे तो आपको देश की जनता को, आपके जो ये अंधभक्त हैं, इनको चूतिया बनाने का काम आप करते हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। आपके आईटी सेल वाले की दुकान तो आप स्वयं बंद करने जा रहे हैं। जो ये नफरत की बीमारी, हिंदू मुसलमान की बीमारी सब जगह जो ये फैलाते हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप अपनी स्वयं की दुकान बंद करा रहे हैं। कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। सच्चाई आपका चाल चलित्र चेहरा ये देश की जनता जान चुकी है। अब आप सोशल मीडिया बंद करो, व्हाट्सएप बंद करो, फेसबुक बंद करो, ट्विटर बंद करो, इंस्टाग्राम जो भी है सबको बंद करो, तो भी देश की जनता का दिल नहीं जीत सकते। जो व्यक्ति एक बारी नजर से गिर जाए, वो व्यक्ति वो विश्वास कभी पैदा नहीं कर सकता है फिर से नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अब तो पुलवामा हमला भी आप नहीं करा सकते, वो भी देश की जनता को पता है कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने करवाया। अब तो आप रैलियों में बम भी नहीं फुड़वा सकते, क्योंकि उसकी भी पोल पट्टी पूरे देश की जनता के आगे सामने आ चुकी है कि आप स्वयं बम फुड़वाने का काम करते हो रैलियों में। समझ गए नरेंद्र मोदी जी? तो मैं तो स्वागत करता हूं आपका, यदि ऐसा करते हो आप तो मैं कम से कम आपको स्वागत करता हूं। कल की जगह मैं तो कहता हूं आज आप सोशल मीडिया को बंद करें, ताकि आप अपनी दुकान स्वयं बंद कर देंगे। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हल्का न्यूज़।